अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं और अपने फ्लैट को बंद करके जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके बाद कोई भी चोर आपके फ्लैट पर हाथ साफ कर सकता है और उसमें से माल उड़ा सकता है। इंदिरापुरम पुलिस ने एक ऐसे ही चोर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम राजेश उर्फ सुमित है, जो दिल्ली NCR के 100 से ज्यादा फ्लैटों में चोरी कर चुका है। पिछले दिनों इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कुछ घरों में चोरी हुई थी। इनमें चोरी का मॉडल सप्रेंडा ही ऐसा रहता था कि जिन भी घर में व्यक्ति नहीं रह रहे हैं, घर के बाहर चले गए, ताला लगा के चले गए हैं, उन घरों को टारगेट किया जाता था, चाहे वो इंडिविजुअल यूनिट्स हों या फ्लैट्स हों। इन चोरी की घटनाओं का अनावरण करने के लिए थाना इंदिरापुरम की टीम को लगाया गया था और इसी क्रम में उन्होंने एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लगभग 10 लाख का सामान रिकवर हुआ है, जो कि 18 विभिन्न चोरी की घटनाओं से संबंधित है। पूछताछ पे इसने अपना नाम राजेश बताया और दिल्ली का रहने वाला है। ये पहले भी कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और दिल्ली से ये जेल भी गया। दिल्ली NCR क्षेत्र में इसने लगभग 150 से 200 के करीब घटनाएं करना कबूला है। इसका एक साथी और है जो कि नोएडा से अभी नाम अपना गलत बताकर जेल चला गया, जो कि इसने पूछताछ में बताया। इस संबंध में नोएडा जनपद को जानकारी दी जा चुकी है तथा एक मुकदमा इसमें 420 का दर्ज कराया जा रहा है। ये इस तरीके से अपराध करते थे कि दिल्ली नंबर की गाड़ी एक सेंट्रो लेके आते थे, जिनमें इनके पास तमाम औजार रहते थे गृहभेदन के लिए, उनका प्रयोग करके ये घर में चोरी करते थे और दिन में भी ये चोरी किया करते थे, दिन में भी चोरी करके घरों का सामान ये ले। ये कई दिनों से ये चोरी कर रहा है और इसके पास से अभी लगभग 10 लाख का सामान बरामद हुआ है। बाकी हम इनके जो भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं वो सब इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये बाकी जो सामान है किसको बेचता था, कहाँ मार्केट में निकालता था, उन सब चीज़ों को भी हम तस्दीक करते हैं।